Very, very beautiful meditation. Coming back into noise is slightly difficult. But Iben, our theme for the evening is Dua Do and Dua Lo, right? Give blessings and take blessings. So we are going to send blessings to Iben. We are going to say Tatastu to her also, right? Hum sab Tatastu kahenge ki, so that Iben can keep coming and keep doing meditation and take us to such a beautiful experience. So gratitude towards Iben. Can we have our hands, Tatastu hands for Iben? Lots of blessings to you, Iben. Thank Thank you so you. much. Thank you. So, जो हमारा जो थीम है उसको ही आगे लेते हुए, जैसे इबेन ने भी मेडिटेशन में कहा कि लाइट, जस्ट हल्के हो जाना, गोइंग टुवर्ड्स लाइट, बीइंग द लाइट, राइट? तो हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, मेरी पार्टनर इस सिलसिले में किरण दीदी, वो हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाएगी, जहां हम ग्रैटिट्यूड को लेके थोड़ा डीप जाएंगे, थोड़ा और समझेंगे. तो अगर आपके पास पेपर पेन है, फटाफट लेके, नहीं है तो फटाफट लेके आ जाइए. एंड किरण दीदी हमें नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ लेके जाती है. थैंक यू माना बहन। मेडिटेशन की यही सुंदर स्थिति में हमारी हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। जैसे मेडिटेशन में कहा कि हम लाइट, माइट और इनसाइट, हमारे इनसाइट का यूज अभी हमें करना है। बड़ी बड़ी बातों को तो हम बहुत इजीली थैंकफुल अभी करने की हमारी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन थोड़ा हम गहराई में जाते हैं कि हमारी लाइफ में जो विपरीत परिस्थिति होती है, हो गई है, कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारी ही कोई कमजोरी होती है, क्या उसको हम स्वीकार करके हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं? हमारी लाइफ में क्या ऐसा कुछ हुआ है? फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में कुछ हो गया है और अभी बाबा के ज्ञान में आने के बाद ऐसा अनुभव हुआ है कि ओ, अब मुझे पता चला जो कुछ भी हो गया अच्छा हुआ। क्या ऐसी कोई बातें आपकी लाइफ में है? सोचे, कोई ऐसी बात है जिसे जिंदगी भर हम कोसते रहे, लेकिन अब पता चला जो हुआ अच्छा ही हुआ। थोड़ी देर साइलेंस में रह के सोचे, लिखना चाहे तो लिखे। और वो कमजोर मोमेंट्स या प्रॉब्लम्स, दुख देने वाली व्यक्ति जो हम अभी तक समझते थे, लेकिन बाबा ने कहा वो ही परिस्थिति हमें आगे बढ़ाती है, हमारी शक्तियां बाहर लाती है। तो उसे हम आज बहुत बहुत धन्यवाद दें। अगर आप चाहे तो परिवार के साथ शेयर करके अपने आप को हल्का फील करवा सकते हैं। शांति, ये थोड़ा सा लाइट नोट पे है। एज अ राइटर मैंने लाइफ टाइम यही करा है कि अपने जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस भी लिखे हैं, जो हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब और ऐसे अनुभव जिन्होंने हमें किसी ने किसी रूप में पाठ सिखाया और उससे कुछ पैसे बनाए हैं। तो आई कॉल इट ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। एक अनुभव हुआ था 2018 में, मुझे इमिग्रेशन पे चाइना फ्लाई करते टाइम इमिग्रेशन पे रोक दिया गया था। मेरा सामान पहुंच गया चाइना और मैं दे स्टॉप मी फ्रॉम फ्लाइंग। तो मैंने उसी रात एयरपोर्ट पे बैठ के एक स्टोरी लिखी थी। तो
नेपाल में वो स्टोरी वायरल हुआ था और उसे सेवा भी हुई बहुत सारा. तो ड्रामा का ये सीन, थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू ड्रामा. हाँ जी विभूति बहन. मेरे लिए कोविड इज अ ब्लेसिंग, कोई दया तो मैं बाबा के पास आ गई. सही बात है, बहुत सारे लोगों के लिए. वेरी नाइस. बाय अ रेज ऑफ हैंड बता सकते कौन कौन आया कोविड के वजह से? ट्वेंटी ट्वेंटी में कोविड आयो अने कोविड ना कारणे मने आ कार्य में आयो. पहला स्वाध्याय में आती त्यार बाद कई बोली नथी, पण एक अनुभव एवो थयो के बाबा कहे छे के बाबा जादूगर छे अने जादूगर ने कारणे जादूगरी नी साची खरेखर अनुभव थयो. एक दिवस बेन नो फोन आव्यो के बेन तमारे मधुबन जवानुं छे. एक ज सेकंड नी अंदर आखो वातावरण बदलाई गयो. थोड़ुक दुख थयुं के घरे थी ना पाड़से तो, पण थोड़ी हिम्मत करी अने फेमिली मां वात करी, बाबा नी प्रेरणा थी हा थई, बेन ने थैंक्सफुल करी, बाबा ने पण थैंक्सफुल, वैशाली बेन, हेमा बेन अने खास करीने किरण बेने मने बहु प्रोत्साहित करे छे. रोज एमनी साथे वात थाय छे अने मधुबन जवानुं नक्की कर्युं. अने जे पहेलो जे गेम हती एनी अंदर पण मैं नंबर वन चुन्यो तो, अने एमां मारुं गॉड ज हतो. अने हृदयपूर्वक थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू हेमा बेन, थैंक्स टू वैशाली बेन, थैंक्स टू किरण बेन अने थैंक्स टू ऑल अवर बाबा परिवार. ओम शांति. तो अल्पना बहन ने अपना अनुभव शेयर किया कि उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको मधुबन जाना था. मन में तो बहुत इच्छा थी लेकिन अंदर से वो बहुत घबराए हुए थे कि मुझे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्या होगा. तो वो कुछ बोलते नहीं थे, अंदर ही अंदर बस बाबा से बातें करते रहते थे. तो एक दिन ऐसा हुआ कि हेमा बहन ने उनको फोन किया और कहा कि चलो आप मधुबन आने के लिए रेडी हो जाओ. तो उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा मिरेकल कैसे हो सकता है. मैंने बाबा से बात की और हेमा बहन ने मुझे फोन किया, तो उनका निश्चय बहुत पक्का हो गया. तो उन्होंने जैसे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे लिए ये शक्य हो सकता है. और जैसे बाबा ने जादूगर, जो बाबा कहते हैं कि बाबा जादूगर है, तो सच में ये जादू मेरी लाइफ में हो गया. तो सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं, परिवार को, बहनों को, सभी को. ओम शांति. ओम शांति. Yeah, I just wanted to share that like I had a long story because when like I after I got married, then you know, my Lokik husband, like he got an issue of brain tumor, and during that time, like before he was detected with brain tumor, like for 6 months I was listening to Sister Shivani, and I got so inspired that I started looking for Brahma Kumari Center in Edmonton. And like Brother Ron from the center, he suggested me to start taking course at Anubhuti, because that time the lockdown also started and the center was closed. And during that time, like, I got introduced to Sister Elizabeth. So, like, she gave me knowledge. And after that, you know, I started meditating and doing Amrit Vela, which helped me a great deal. And when my Lokik husband, he was hospitalized, like, that time, I cannot express, like, how much strength I have received from Baba and how much love I have received from Baba. And
you know, I used to, like, in the morning, I used to get up and sing and dance by listening to Baba's song, Dr. Amritvela. And the entire day I could, you know, give Sakash. And that's the reason why, you know, I love giving Sakash. And that's my favorite part. And yes, like, Baba is helping me a lot every day, every moment of my life. I'm learning a lot because of Baba and because of the family. Thank you. Om Shanti. That is why every day at 3:30 in the morning, you open the Zoom because you like Sakas and you want everybody on Zoom to take direct from Baba. So you especially do that seva 3:30 a.m. in the morning, the Zoom comes on. So thank you for that. संगमित्रा बहन ने इंग्लिश में कहा, बट मुझे लगता है कि सब उनकी भावना समझ पाए होंगे कि वो क्या कहना चाहती है, राइट? कि उनको कितना ग्रैटिट्यूड है कि उनको बाबा का ज्ञान मिला राइट समय में, एंड उनको कैसे हेल्प करा जब उनके लौकिक जो हस्बैंड थे उनकी जब तबीयत खराब हो गई थी, और उससे उनको कैसे प्रेरणा मिली है कि अभी वो सेवा कर पाती है. रोज सुबह 3 बजे जो जूम हमारा खोलती हैं वो है संगमित्रा बहन. तो उनको खूब सारा तथास्तु, ऐसे ही स्ट्रांग बने रहे, ऐसे ही सेवा करती रहे, राइट? ब्लेसिंग्स टू हर. थैंक यू. यू नो, हम लोग क्यों शेयरिंग क्यों एनकरेज करते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब कोई क्लासेस होती, जो बड़ी बड़ी टीचर्स आती है, तो हमें लगता है जब वो शेयर करती है तो हमें लगता है कि अच्छा, ये तो ज्ञान में 20-20 साल तक है, इनके लिए तो बहुत ईजी है ये सब करना, राइट? लेकिन जब हम आपस में शेयर करते हैं एज अ परिवार, तब व्हेन आई हियर, जब मैं सुनती हूँ अच्छा संगमित्रा बहन ने ऐसे करा, बाकी लोगों ने ऐसे करा, देन आई फील अच्छा, ये तो अपने ही है, ये कर सकते हैं तो मैं तो पक्का कर सकती हूँ, राइट? तो वो एंकरेजमेंट मिलता है सबको. मैं 14 वर्ष सुधी अभूल हती, नहीं खावानू पीवानू कहीं दही ज रहवानू, पर मने बधु मेमरी अंदर गॉड नी, बड़ी बड़ा गॉड अंदर देखाता था, बिल्कुल कई नहीं करवा, वैसे ही रहवा. 14 इयर्स सुधी मर्जीवा जीवन जीव जतू, पछी इंडिया जवान थियो, एवी अवस्था में धीरे धीरे ग्रोथ थती गई, ने पछी 2012 में इंडिया गया, पछी पहले दिवस थी बाबा ना करे, बाबा नु ज्ञान मने कोर्स भी मैं करे करियो नहीं हतो, ने बाबा नु ज्ञान मिली गयु, एटले मैं बाबा को बहुत थैंक यू करती हूँ. वो सजीवन मर्जी वाजीवन सी सजीवन बुट्टी खिलाकर मुझे वर्षा दे रहा है अब. थैंक यू. तो बहन का अनुभव था कि उनकी लाइफ में 14 साल तक वो जैसे अभूल, मतलब उनको कुछ याद नहीं रहता था, कुछ बस ऐसे ही खाना पीना, बैठे रहना, मतलब इस तरह का उनका था. जैसे बाबा कहते हैं ना कि मर्जीवा जीवन का जो स्थिति, तो उनकी उस तरह की स्थिति 14 इयर्स तक थी. फिर एक बार वो मधुबन मतलब गए, बाबा का ज्ञान उनमें आया, तो उसके बाद जैसे वो कॉन्शियसनेस में आए, तो उनका कहना है कि अनुभव उनको ऐसा लगता है कि बाबा ने मुझे मर्जीवा में से सजीव करके बाबा मुझे अभी ज्ञान दे रहे हैं. व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. मैं सब इतनी डीप शेयरिंग कर रहे हैं, मैं एक बहुत छोटा सा फन शेयरिंग करती हूँ. जब मैं 20s में थी तो मुझे बहुत पिंपल्स हुआ करते थे, तो मैं बहुत रोती थी, क्योंकि 20s में पिंपल्स मतलब जैसे कि बॉडी कॉन्शियस, तो रोना धोना. तो मुझे बोला गया कि बाहर के तले हुए चीज़ें नहीं खाने, और उस वजह से मेरी खाने जो जैसे मैं खाती हूँ उसकी हैबिट चेंज हो गई. और फिर अभी जब मैं ब्रह्म कुमारी में आई हूँ, तो अभी तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया, क्योंकि पिम्पल्स के वजह से मेरी खाने की हैबिट्स बहुत क्लीन होने लग गई, और बाबा ने फिर जैसे स्टैम्प लगा दिया कि हाँ, ये तो तुम्हें कंटिन्यू करना है. तो जब मैं आई तो मुझे खाने पे ज़्यादा खाने की चीज़ें ज़्यादा पुल नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिम्पल्स ने ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन ले करके रखा हुआ था. तो जस्ट अ स्मॉल फन स्टोरी. तो हम ये एक्सरसाइज मुझे लगा बहुत प्यारी थी, हमें अंदर अपना अंदर लेके गई, एंड जहाँ हम अटक रहे थे वहाँ हमने वापस देखा कि कैसे वो पॉजिटिव में बदला जाए. सो इसके लिए थैंक यू टू किरण सिस्टर,
उनको खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारे हमारे दुआएं. सो केनन सिस्टर तथास्तु, आप ऐसे ही करते जाइए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए. सो थैंक यू सो मच. अभी एक सरप्राइज है, अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं. ऋणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी, वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकाल दर्शी, जन्मों के पुण्य फले है प्रभु दया है इतनी बरसी, पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया, एक नजर के प्यासे आँखों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, खुशियों के पंख लगा कर जी करता है उड़ जाओ, खुशियों के पंख लगा कर जी करता है उड़ जाओ, प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाओ, सत्य कर्मों की सरगम ने गुण गाना सिखा दिया, एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया, 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 चलो 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 आपका, चलो चलो सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग फटाफट चलो चलो मुझे लगता सब के दिल एकदम भर गए होंगे, राइट? मतलब मुझे ऐसे मिला, आई कैन ऑलरेडी फील इट, कि कितना मतलब ग्रैटिट्यूड तो थैंकफुलनेस, इतना मतलब आप लोग सब लोग होते ना तो सबको हग करते, थैंक यू सो मच.
Yes, virtual hands, sabko. And sabko blessings, sabko duai, sabse duai. Thank you so much. Lekin abhi best samay last ke liye, right? So hamare saath Hima sister hai, wo hame abhi aur bhi blessings degi, special blessings. Hamare liye personal special blessings. Everybody ready? Yeah? Aur Vaishali sister hai, wo hame sakash dengi. और हेमा सिस्टर हमें ब्लेसिंग्स देंगी. तो रेडी एवरीवन. फर्स्ट है कांचन बहन. आप त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी हो. नेक्स्ट अल्पना बहन. आप शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली आत्मा हो. अनीला बहन. आप समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत हो. अंजना बहन. आप सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाली पुरुषार्थी आत्मा हो. अशोक भाई. आप श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाली आत्मा हो. दक्षा बहन. आप तपस्या के बल से असंभव को संभव करने वाली सफलता मूर्त आत्मा हो. गोपिका बहन. आप रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाली शुभ चिंतक हो. ज्योति बहन. आप ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप हो. शांति भाई. आप मनन द्वारा बाप की संपत्ति को अपनी संपत्ति बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान हो. लता बहन. आप सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ हो. लक्ष्मी बहन. आप ज्ञान के गुह्य बातों को सुनकर उन्हें स्वरूप में लाने वाले ज्ञानीत्व आत्मा हो. मुकेश भाई. आप कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त आत्मा हो. फैमिली. आप
देही अभिमानी स्थिति में स्थित हो, सदा विशेष पाठ बजाने बजाने वाले संतुष्ट मणि आत्मा हो। सुधा बहन, आप साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सफलता मूर्त भवा। वन बहन, आप ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड सुखमय स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा हो। उर्मिला बहन, आप अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हो। विभूति बहन, आप हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान करने वाले सहज योगी हो। आप शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान दाता हो। आई थिंक जो जो कैमरा ऑन किए थे उन लोगों को सबको वरदान मिल गया। हो आई थिंक माना बहन को नहीं मिला, माना बहन, हेमा बहन और वैशाली बहन के लिए। माना बहन, ये आपके लिए। आप त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजय हो। वैशाली बहन, आप अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर सदा हल्के रहने वाले फरिश्ते हो। हेमा बहन, ये आपके लिए। वैशाली बहन पड़ेगी। आप बीती को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। संगमित्रा बहन, नेक्स्ट वन आप पढ़ो उसका। आप सर्व खजानों को सर्व प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी हो। सुधाबेन पोरेशा का पढ़ा, सुधाबेन का पढ़ा रहे, पोरेशा का पढ़ा, सुधाबेन पोरेशा आपको मिला रहे। और अभी एक पढ़ो जिसने कैमरा न चालू किया हो उसके लिए, एक नेक्स्ट वन पढ़ो जिसने कैमरा नहीं चालू किया है इसके लिए। ओम शांति बेन, ओम शांति। नीरा बेन, लीना बेन, किरण बेन, सभी ने कैमरा ऑन किया है। चलो ये नेक्स्ट वन है अभी लीना बेन के लिए, ठीक है ना। ये लीना बेन का, आप श्रेष्ठ जीवन द्वारा दिव्य ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले माया प्रूफ हो। अभी किरण बेन, किरण बेन, आप अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी हो। अभी कौन रहा? नीरा बहन। नीरा बहन, आप स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी हो। किसी का रह गया? ओके, अभी नेक्स्ट वन बता करेंगे जिसने कैमरा चालू नहीं किया है। अनुजबन, अनुजबन, आप होपलेस में भी
होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि हो। अरे सभी के लिए अभी आप सर्व के गुण देख सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मुहूर्त हो, ये सबके लिए या तो डबल है सबके लिए। ओके थैंक यू वेरी मच सबको। वैशाली दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? कहूं या गाऊं? गाओ। ये बहुत शुक्रगुजार होने का बहुत सुंदर गीत है और मुझे बहुत पसंद है किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं, किस तरह से शुक्र तेरा अब अदा करूं मैं, इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूं मैं, खामोश रहकर भी कह गई तेरी आस दिल तक बह गई, तुम पर हो रहा है पूरा विश्वास, तुम ही हो हिफाजत मेरी सुनो ये कहा है, किस तरह से शुक्र अदा बाबा तेरा करूं मैं, इस मोहब्बत का हर जाना किस तरह भरूं मैं। थैंक यू।